Good morning, students. Welcome back in Guru Niti. This is the episode of the Cell Biology 5th. इससे पहले चार एपिसोड सेल बायोलॉजी के हमने आपसे डिस्कस किए हैं. मैं एम एम बलडोदिया और मेरे साथ हैं सर्वेस यादव सर. देखिए, सेल बायोलॉजी के अब तक जितने सारे एपिसोड हमने डिस्कस किए उसमें हमने परफेक्ट कनेक्टिविटी लाने की, सब्जेक्ट के कंसेप्ट को बताने की, इन्फॉर्मेशन और जो अप्रोचेज हैं उनको क्लियर करने की कोशिश की. आज इसमें हम सारे सेल ऑर्गेनल, सेल डिवीजन, मतलब ऑल सेल बायोलॉजी का सारा जो कंटेंट है सर, वो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं. और उसके बाद मैं बता दूं आपको द मोस्ट अवेटेड और मोस्ट इंटरेस्टिंग कंसेप्ट और टॉपिक आगे आ रहा है, जो है प्लांट फिजियोलॉजी. उसको भी फर्दर हम डिस्कस करेंगे. मैं और सर्वे सर आपके साथ बने रहेंगे फिजियोलॉजी में भी. ठीक है, तो सर शुरू किया जाए. देखिए, सेल बायोलॉजी 5th में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वन मिनट. हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनकरेक्ट अबाउट गिवन डायग्राम. दिए गए डायग्राम के बारे में, चित्र के बारे में जो गलत है वो आपको डिटेक्ट करना है. इसमें कह रहा है कैरेटिनॉइड्स प्रेजेंट. तो देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट है जैसा सर उधर मेंशन कर रहे हैं. बच्चों, आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है. जो प्लास्टिड्स हैं, प्लास्टिड्स के टाइप्स और कैटेगरी सर हमने पहले बता रखी है, ल्यूको, क्लोरो, क्रोमो. ऑब्वियस है, जो क्रोमोप्लास्ट है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैरेटिनॉइड्स. ठीक है, वो कैरेटिनॉइड्स के प्रेजेंस से कैरेक्टराइज किया जाता है. लेकिन आप ये भी ध्यान रखें, जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें भी कैरेटिनॉइड एसेसरी पिगमेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है. फिर कह रहा है क्लोरोफिल प्रेजेंट, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही है. जो क्लोरोफिल है उसकी प्रेजेंस इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा. फिर कह रहा है थायलेकॉइड एनक्लोज स्पेस कॉल्ड लूमन. डेफिनेटली थायलेकॉइड मेम्ब्रेन्स जो है वो ऐसे स्टैक्स बनाती हैं और इसी स्पेस को आप कहते हैं लूमन. बच्चों, लूमन अगर एग्जिस्टेंस में होगा तो ही प्रोटॉन ग्रेडियंट बनते हुए फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होगी. सर आपको याद होगा अपन ने डिस्कस किया था ग्रेनल और एग्रेनल फॉर्म भी, इवन बच्चों को बता रखा है, इवन प्रोफ्यूज्ड और डिफ्यूज्ड कंडीशन भी थायलेकॉइड मेम्ब्रेन की हमने डिस्कस कर रखी है. तो क्लियर है आपको. फिर है राइबोसोम्स आर लार्जर देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स. देखिए करेक्ट हो जाएगा, राइबोसोम्स यहाँ 70S है, ऑब्वियस है, और साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम है 80S है. तो जैसा सर कह रहे हैं डेफिनेटली इनकरेक्ट होगा. 80S राइबोसोम्स विल बी द लार्जर राइबोसोम्स देन द 70S. तो सर आंसर टिक किया जाए, आंसर इज फोर्थ आंसर हो जाएगा बच्चों. नेक्स्ट, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड. देखिए यहाँ एक से ज्यादा रेफरेंसेज आपको दे रखे हैं. कॉलम फर्स्ट में आपको दिया है राइबोसोम, तो एक तरफ तो हमें डिस्कवरर देखने हैं. तीन कॉलम देखिए, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटिव हो गया. यहाँ एक बार बात बताना चाहूंगा, इसमें साइंटिस्ट के जो है वो नेम दे रखे हैं. कई बार क्या साइंटिस्ट के पूछ लेता है इन्फॉर्मेशन को लाने की कोशिश. सारी चीज अपने कलेक्ट कर ली, जो इम्पोर्टेंट है उनके भी बातें जो है यहाँ डिस्कस कर. तो सर करेक्ट करें, बिल्कुल. तो राइबोसोम को सबसे पहले देखो, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ पैलेटे पार्टिकल्स हम कहते हैं. ठीक है, थर्ड कॉलम पे अपन राइबोसोम को जो है वो मैच कर देंगे यहां से. मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनेल इन द सेल. सर मैं ये कह सकता हूं द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट और द साइटोप्लाज्म अपीयर्स एज द ग्रेनुलर फॉर्म. ग्रेनुलर कंटेंट वो इसकी प्रेजेंस के कारण ही होता है. राइबोसोम्स जो है वो साइटोप्लाज्म स्कैटर्ड फॉर्म में, इसलिए वो ग्रेनुलर है. उसके बाद देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ईआर हमें दिया है. पोर्टर हो जाएगा, तो पोर्टर, क्लाउडे और फुलमान ये नाम आपने सुने होंगे. तो ये देखिए पोर्टर के साथ कनेक्ट किया, उधर सब देख फंक्शन से रिलेट कर देते हैं. सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन एंड प्रोटीन, ये यहां इससे कनेक्ट हो जाएगा. कनेक्ट हो जाएगा. और ये एसईआर कह सकते हैं, बिल्कुल, यहाँ प्रोटीन प्रोटीन है, और ये आरईआर हो जाएगा. स्टेरॉइड्स है, एसईआर हो जाएगा. उसके बाद सर हमें दिया है लाइसोसोम. बिल्कुल, लाइसोसोम डी डबे क्रिस्टन डी डबे, ये डी डबे है. और लाइसोसोम आपको पता है बच्चों हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कंटेन करता है. लेकिन यहाँ एक नई इन्फॉर्मेशन अपने ऐड कर दी है, बिल्कुल, रिप्लेस्ड बाय स्पिरोसोम प्लांट. जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो स्पिरोसोम, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं. तो प्लांट्स में जो स्पिरोसोम को अपन प्लांट लाइसोसोम भी बोलते हैं, प्लांट लाइसोसोम भी बोलते हैं. इवन उसके अलावा वैक्यूल में भी कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है उनकी प्रेजेंस होती है. तो क्लियर है. उसके बाद में सर दिया है क्लोरोप्लास्ट, हैकेल, ये रहा. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो भी हम डिस्कस कर रहे थे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल. और यहां से कनेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्लोरोप्लास्ट है. जैसे आपको पता है, ये देखा जाए तो स्टेटमेंट तो क्या है, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल, बिल्कुल. बट यहां पर जो अंदर थायलेकॉइड्स प्रेजेंट है वो भी मेम्ब्रेनस सिस्टम. तीन मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेंगे, आउटर, इनर, ये तो हो गया डबल मेम्ब्रेनस. लेकिन अंदर, इसके अंदर वाले स्पेस में भी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मेम्ब्रेनस स्टैक्स बनते ग्रेना. एक बार वो क्वेश्चन भी आ जाता है कि ल्यूमेन के ल्यूमेन वाला जो स्पेस है वो साइटोप्लाज्म से कितनी मेम्ब्रेन से सेपरेट रहता है, सेपरेट. हां ये बच्चों अच्छा क्वेश्चन सर बता रहे हैं. ये ल्यूमेन बना हुआ है, इस लूमन के बाहर इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन. अब आपसे पूछ ले कि जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो इस लूमन के या लूमन स्पेस से
कितने मेम्ब्रेन से सेपरेट रहता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 3। एक थाइलेकोइड स्पेस वाला मेम्ब्रेन है ग्रेना का, ग्रेना थाइलेकोइड, फिर इनर मेम्ब्रेन, फिर आउटर मेम्ब्रेन। अच्छी इंफॉर्मेशन सर ऐड की गई है। उसके बाद है सेंट्रोसोम। बिल्कुल सेंट्रोसोम ही आ जाएगा यहाँ, बेंडेन, बेंडेन वॉन बेंडेन ऊपर की तरफ लिखा है सेंट्रोसोम। और आप जानते हैं सेंट्रोसोम जो है वो सेल डिवीजन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट, इन्फॉर्मेशन फिर आ गई, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेल होती है जो जूलॉजी में स्टडी करते हैं उसमें सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम का यूज है। और लास्ट सर माइक्रोबॉडी दे रखा है पेरोक्सिसोम। तो पेरोक्सिसोम के लिए आप बच्चों कह सकते हैं निकोलसन, सॉरी पेरोक्सिसोम के लिए ये हो जाएगा जो लाइसोसोम, निकोलसन तो वो मेम्ब्रेन वाला चला, निकोलसन मेम्ब्रेन, ओके ओके सॉरी, ये डी दबे, क्रिस्टन डी दबे, और ये उधर हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी फैटी एसिड्स। हाँ, माइक्रोबॉडी जो है पेरोक्सिसोम ग्लाइकोसोम आपको पता है, सब पढ़ते हैं जो साइंटिस्ट एनसीईआरटी में नहीं है जनरली नहीं पूछता, वो नहीं पूछता, जो इंपॉर्टेंट थे वो एक दो अपन ने ऐड कर दिया। ठीक है, तो बच्चों आप मैच कर ले। नेक्स्ट 187 प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस लाइक ग्रोथ, एंडोसाइटोसिस, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सेल डिवीजन एटसेट्रा। सही स्टेटमेंट लग रहा है सर, सही है। फिर लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट्स फ्लूइड नेचर, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। अब आपसे पूछा गया स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट फर्स्ट। ठीक है, देखो ऊपर कह रहा है कि वो जो है वो ग्रोथ करती है, वो एंडोसाइटोसिस करती है, वो इंटरसेलुलर जंक्शंस बनाती है, वो सेल डिवीजन करती है, तो क्या उसकी फ्लूइड नेचर है वही रेस्पॉन्सिबल है इन फंक्शंस, उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल है। तो अगर आपको ये बात पता है तो डेफिनेटली आप इस स्टेटमेंट तक जा सकते हैं। तो आगे पढ़ने की जरूरत है सर इसको, स्टेटमेंट ए एंड सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट सेकंड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ ग्रीन टोमेटो इंटू रेड इनवॉल्व, ये डिस्कस किया था, ये हमने काफी डिस्कस किया था, क्वेश्चन भी ऐड कर दिया अपने। हाँ, तो देखो ये कह रहा है हरे टमाटर का लाल टमाटर में रूपांतरण सम्मिलित करता है, तो आप जानते हैं बच्चों क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट का कन्वर्जन ये शो करेगा, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट, सबसे पहले आपके पास ये है। फिर दे रखा है डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड डेवलपमेंट, देखिए डिस्ट्रक्शन अगर आप करवा देंगे तो ये ल्यूको में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोप्लास्ट फ्रॉम प्रोप्लास्टिड्स, प्रोप्लास्टिड से क्रोमोप्लास्ट का डायरेक्ट फॉर्मेशन जो है उसके बजाय आपने सीक्वेंस पढ़ी है ल्यूको क्लोरो क्रोमो। फिर लिखा है ऑल ऑफ दीज, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर जो है वो फर्स्ट ही यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 189 ए नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म व्हिच आर इन्वॉल्वड इन मेनी फंक्शंस सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, दिस एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस आर प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर्स। बिल्कुल, देखो यहाँ पकड़ने वाली बात आपके पास ये है कि साइटोप्लाज्म में वो कह रहा है कि कुछ फंक्शंस जो है वो रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैकेनिकल सपोर्ट की हम बात करें तो थ्रू आउट साइटोप्लाज्म आपको पता है माइक्रोफिलामेंट्स की प्रेजेंस है, मोटिलिटी वो मेंटेन करते हैं, इसके अलावा ऑब्वियस है थ्रू आउट साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा तो सेम सेल का जो है वो भी मेंटेन करेगा, तो इस तरीके से हम प्रोटीनेसियस फिलामेंट्स कह सकते हैं। साइटोप्लाज्म कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के तीनों पार्ट्स सर हमने बात कर रखी है, माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो स्टूडेंट्स प्रोटीनेसियस एंड साइटोस्केलेटन, ये लास्ट वाला फोर्थ ऑप्शन जो है ये एनसीईआरटी का एज इट इज अपन ने स्टेटमेंट कई बार पूछ लेता है, उन्हें मैं भी फिल इन द ब्लैंक्स करो। बिल्कुल ठीक है, तो नेक्स्ट पे स्टूडेंट डिस्कस करें द फंक्शन ऑफ ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम का जो फंक्शन है वो क्या है, तो देखिए प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, विटामिन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म आपको दिया है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म रिपीटेड है इसमें ऑप्शन, तो इसका मतलब आंसर नहीं होगा। हाँ, कई बार ऑब्जेक्शनेबल हमें लगता है कि दो क्यों डाल दिए, तो दो दे रखे हैं तो आपका काम इजी कर दिया है कि यहाँ ये तो बिल्कुल नहीं होंगे। अब विटामिन मेटाबॉलिज्म और फैट मेटाबॉलिज्म आपको दे रखा है, बिल्कुल, तो फैट मेटाबॉलिज्म ऑब्वियस है, डिस्कस भी किया था, माइक्रोबॉडी ग्लाइऑक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम जो है उसके अंदर लिपिड स्टोर भी होते हैं, बिल्कुल, जो फैट है उसका मेटाबॉलिज्म होता है, जनरली ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन ग्लाइऑक्सिसोम का बड़ा रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कैस्टर सीड का एग्जांपल दे रखा है। प्लांट फिजियोलॉजी में भी सीड जर्मिनेशन जहां डिस्कस किया है वहां आपसे बात की गई है, इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी में भी हम पढ़ते हैं कैस्टर हमें दे रखा है, ऑयली सीड्स जो है, तो फैट मेटाबॉलिज्म फाइनल किया जाए, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन भी डिजाइन कर दिया, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन द मेन साइट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इज ग्लाइऑक्सिसोम। ये सर बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आप बच्चों, जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है ये भले ही नोट कर लें, सीड जर्मिनेशन के प्रोसेस में, सीड जर्मिनेशन कह रहे हैं आप, और सीड जर्मिनेशन के प्रोसेस में द मोस्ट एप्रोप्राइट साइट ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, तो ये बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा इसका
ग्लाइऑक्सीसोम, और अगर वो सीट जर्मिनेशन कंडीशन ना दे और बोल ले मेन साइट ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, फिर माइटोकॉन्ड्रिया आंसर फिर जाएगा। बिल्कुल सही है, बीटा ऑक्सीडेशन का जो साइट है वो माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। अगर स्पेसिफिकेशन आपको ये लिख के दे तब तो आपको आना है ग्लाइऑक्सीसोम पे, अदरवाइज आपको जो चीफ सेल ऑर्गेनेल है, जो पावर हाउस ऑफ द सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया पे चले जाना। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर, किसको बैक्टीरियल फिल्टर से पास किया जा सकता है? ये थोड़ा स्टेटमेंट है, डाइवर्सिटी से भी कनेक्टेड है। हाँ, जो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर होता है, एक बार थोड़ा सा बता ही देते हैं, इसके अंदर पोर्स होते हैं, माइन्यूट पोर्स, और ये जो पोर्स है उनकी साइज जनरली 0.45 माइक्रोन होते हैं। एक बात जनरल है सर, बैक्टीरियल फिल्टर से पास किया जा सकता है, इसका मतलब बैक्टीरिया से छोटा होना चाहिए, बैक्टीरिया छोटा होना चाहिए, बिल्कुल। और ये साइज भी अपन ने बता दिया, इसका मतलब इस साइज से जो छोटा, हाँ, जो स्ट्रक्चर होगा, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, उसको क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा, बैक्टीरिया जो है इससे लार्जर होते हैं, बिल्कुल 3-5 mm एनसीईआरटी में दे रखा है। और अगर आप माइक्रोप्लाज्मा देखें तो उसमें 0.1-0.3 ये साइज एग्जैक्टली एनसीईआरटी ने मेंशन किया, तो स्टूडेंट्स आंसर आपके पास बहुत अच्छे तरीके से आप डिटेक्ट कर सकते हैं। ये तो आपको पता है ऑस्ट्रिच एक सबसे बड़ा है, माइक्रोप्लाज्मा ये आंसर हो जाएगा, एपिथेलियल सेल और ट्रैकेट्स का कोई यहाँ रेलिवेंसी नहीं। और एक और यही बता देते हैं, जो वायरस होता है वो भी इसको क्रॉस कर जाता है, डाइवर्सिटी का स्टेटमेंट है, वायरस भी बैक्टीरियल साइज से पास करवाया जा सकता है, ये तो साइज में स्मॉलेस्ट होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट, ER helps in endoplasmic reticulum किसमें help करती है? तो कह रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, नहीं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन डेफिनेटली, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, लेकिन गॉल्जी बॉडी के साथ अगर एसोसिएट हम करें सर, तब तो इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन डेफिनेटली, तो देखो ये सिंथेसिस और फॉर्मेशन की जो दोनों एक्टिविटी है ये तो डेफिनेटली हम कहेंगे कहेंगे। उसके अलावा अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस और एक ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ दीज, तो ऐसी कंडीशन में हमें अगर इस पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी हो या जैसे हमारा ध्यान इस पे गॉल्जी बॉडी पे जाए तो भी हम आंसर पे जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है दो परफेक्टली फंक्शन किसके हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। सो इन एसोसिएशन ऑफ गॉल्जी बॉडी इट इज आल्सो इन्वॉल्वड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। हां जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 193, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट रेफरेंस आपको यहां से डिटेक्ट करना है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिमेट्रिक नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये ठीक बात लिखी है सर, जैसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी हमने डिस्कस किया था, आप ये जानते हैं जो दोनों लीफलेट हैं, बिल्कुल प्लाज्मा है वो एसिमेट्रिक है, और जो दोनों लीफलेट की अगर अपन बात करें तो वहां पर जो प्रोटीन है, जो लिपिड्स वगैरह है, उनका जो अरेंजमेंट है वो एसिमेट्रिक होता है, बिल्कुल। जैसे कार्बोहाइड्रेट आउटसाइड है आपके, कोलेस्ट्रॉल इनसाइड है, और प्रोटीन जो है उनका अमाउंट भी आउटर इनर लिपिड में वेरिएबल, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ कि जो लिपिड बायलेयर है, उस लिपिड बायलेयर में जो दोनों लेयर है, मतलब दोनों लीफलेट जिनको हम बोल रहे हैं, वो सर सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं है, और स्पेसिफिकली आपने कहा जैसे कार्बोहाइड्रेट बाहर की तरफ है और इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल फॉर्म है वो अंदर की तरफ है, जो लिपिड का ही फॉर्म है, तो इस तरीके से आप जानते हैं फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड स्टीरोल्स, तीन मेन लिपिड फॉर्म मेम्ब्रेन में होते हैं, वो तीनों वेरिएबल हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद लिखा है सेल सैप कंसिस्ट हाई ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन, डेफिनेटली इसकी कंसेंट्रेशन हाई होती है, तो ऑब्वियस है जितना सोल्यूट अमाउंट ज्यादा प्रेजेंट होगा एग्जैक्टली उतना ही वाटर डिमांड वो करेगा, तो ओवरऑल वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हाई मेंटेन करेगा। तो लिखा है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन फ्रॉम प्रोटीन इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोसाइडेशन, बिल्कुल बिल्कुल, ये सिंपल आपने डिस्कस भी किया था, जो प्रोटीन है उसके साथ अगर कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर ऐड हो गए तो उसको अपन बोलते हैं ग्लाइको प्रोटीन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडेशन, ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइडेशन, ग्लाइकोसाइलेशन जैसा सर कह रहे हैं, जो है रेस्पेक्टिवली नहीं कहेंगे पर टर्म्स यूज कर ली जाती है, सिमिलर टर्म्स यूज कर ली जाती है, तो ये ग्लाइको प्रोटीन फॉर्मेशन है। लास्ट, फेगोसाइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल ईटिंग, बिल्कुल ठीक बात है, तो इसमें सर स्टेटमेंट हमें इनकरेक्ट नहीं मिल रहा है कोई, ये मुझे लगता है कुछ थोड़ा सा एरर इसमें रह गया है, ये सारे स्टेटमेंट, हाँ तो स्टेटमेंट स्टूडेंट समझे, कंफ्यूज आपको होने की कोई जरूरत नहीं है, परफेक्ट हमने फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट कहा, सेकंड भी आपने कहा करेक्ट है, थर्ड आपने कहा ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन ग्लाइकोसाइडेशन करेक्ट है, और लास्ट भी आपने कहा फेगोसाइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल ईटिंग, अगर इसको मैं कह देता ड्रिंकिंग तो आपके पास आंसर ये हो जाता, ठीक है, क्योंकि पिनोसाइटोसिस के केस में वो चला जाता। क्लियर? नेक्स्ट, 194, which of the following is incorrect for given diagram? बिल्कुल, ये डायग्राम एनसीईआरटी से पिक किया है और ये डायग्राम आपका एनिमल सेल का है। जी, एनिमल सेल, और इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स है वो अब कवर कर लेते हैं। ये कह रहा है कंसिस्ट सेंट्रोसोम, डेफिनेटली सेंट्रोसोम की प्रेजेंस यहाँ होती है, ये रहा सेंट्रोसोम, फिर उसके बाद में कह रहा है न्यूक्लियोलस प्रेजेंट, ऑब्वियस है न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस की जो प्रेजेंस है वो होगी ही होगी, फिर कह रहा है फोटो फोस्फोराइलेशन इज प्रेजेंट,
फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात कर रहा है और एनिमल सेल कह रहा है। आप देखिए फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द एटीपी फॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सर ये क्या प्लांट सेल का करेक्टर होगा? बिल्कुल प्लांट सेल में होगा ये फोटो, ये प्लांट सेल का करेक्टर होगा बच्चों। तो एग्जैक्टली इसको हम कह सकते हैं ये रेलिवेंट नहीं है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, डेफिनेटली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा। और ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया दे रखे हैं, आपको पता है जो ATS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसके थ्रू ATP का जो फॉर्मेशन है दैट इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो हमारे पास इस दिए गए डायग्राम में जो इररेलेवेंट है या जो इनकरेक्ट है वो थर्ड रेफरेंस हो जाएगा, आंसर होगा थर्ड। थर्ड नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर रिलेटेड विद गिवन डायग्राम। तो गोल्जी बॉडी दे दिया, सीक्रेशन, ग्लाइकोसाइलेशन, पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल डेफिनेटली एंड ऑल ऑफ दीज। देखो बहुत इजी है, सारा दे रखा है हमने। सर जब इसको डिस्कस किया था तो दो तीन टर्म हमने बात की थी, सीक्रेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। एग्जैक्टली गोल्जी बॉडी जो है इसका फंक्शन होता है। तो यहां सारी स्टूडेंट्स आपको वही बातें दे रखी हैं, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन। देखिए लाइसोसोम जो है वो सेल में आप कहेंगे ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसमें ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है उनकी प्रेजेंस होती है। स्टूडेंट्स क्लोरोप्लास्ट दे रखा है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से कंसर्न नहीं है सर इसका कोई। सेल वॉल आपको पता है नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है, बाहर का है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। सेंट्रियोल, तारक केंद्र, ये भी इररेलेवेंट रेफरेंस है। सेल ऑर्गेनल विच इन्वॉल्व इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन। इनडायरेक्टली उन्होंने स्टेटमेंट जो है तो क्या सर इसको हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो द साइट ऑफ इंट्रासेलुलर डाइजेशन। बिल्कुल आप मेंशन कर लें थोड़ा सा, द लाइसोसोम इज द साइट ऑफ, बच्चों ये ध्यान रखें आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन का साइट है एनिमल सेल्स में लाइसोसोम, साइट ऑफ इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो हमारे पास यहां आंसर हो गया फोर्थ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स साइटोप्लाज्मिक स्पेस इनटू टू पार्ट्स, लुमिनल एंड एक्स्ट्रा लुमिनल। बिल्कुल डायग्राम से अपने वो डायग्राम से बहुत अच्छे से हमने इसको क्लियर कर रखा है, आप ये जानते हैं ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये साइटोप्लाज्मिक स्पेस हो जाएगा जो एक्स्ट्रा लुमिनल हुआ, और ये जो स्पेस है वो क्या हो गया, लुमिनल स्पेस। तो इस तरीके से आपने सारा डिटेल में पढ़ रखा है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन जो है वो एक पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल का मेम्ब्रेन, और उसमें आपको पता है इनर और आउटर मेम्ब्रेन PMS बनाती है। कोई मतलब रेलिवेंसी किस स्टेटमेंट से इसकी नहीं है। प्रोनोप्लास्ट आप जानते हैं वैक्यूल का मेम्ब्रेन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेफिनेटली स्टूडेंट्स क्या बना रही है, लुमिनल और एक्स्ट्रा लुमिनल कंपार्टमेंटलाइजेशन सेल में स्टेब्लिश करती है। सर इस कंपार्टमेंटलाइजेशन से क्या बेनिफिट ये है कि जो सेल की फंक्शनिंग है उस पर कोई बेनिफिट है इसका? बिल्कुल, कंपार्टमेंट से एक कोई स्पेस इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल, और जो प्रॉपर जो साइट्स है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए तो उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट हो रहा है, और ये पूरे सेल को भी कवर कर लेता है। थ्रू आउट साइटोप्लाज्मिक सर्फेस जो है उसकी एग्जिस्टेंस एक बार बोल देते हैं इसको एंडोसाइटोस्केलेटन भी, एंडोसाइटोस्केलेटन बॉडी ऑफ लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल करता है। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया, तो आंसर आपके पास स्टूडेंट्स हो जाएगा या थर्ड। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद गिवन डायग्राम। बिल्कुल जो गिवन डायग्राम है बिल्कुल एनसीईआरटी से लिया, ये TS को रिप्रेजेंट कर रहा है, TS ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। फ्लैजेला ठीक है, तो सीलिया फ्लैजेला का जो TS है स्टूडेंट्स ये कह रहा है 9+2 स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द बेसल बॉडी ऑफ इट। बिल्कुल ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, सीलिया फ्लैजेला की जो बेसल बॉडी है और काफी बार आ चुका है, बेसल बॉडी कौन बनाता है, सेंट्रोसोम। और आपको पता है जो सेंट्रोसोम है उसमें अरेंजमेंट है 9+0, उसमें सेंटर में कोर प्रोटीन प्रेजेंट होती है, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट आप कह सकते हैं माइक्रोट्यूबुल्स हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया सर, गलत? बिल्कुल इनकरेक्ट है। फिर कह रहा है रिलेटेड नहीं है, हाँ रिलेटेड विद मूवमेंट, डेफिनेटली मूवमेंट से रिलेटेड है। फिर कह रहा है देयर कोर इज कॉल्ड एक्सोनिमा, डेफिनेटली एक्सोनिमा होता है, जैसे एक्सोनिमा का अरेंजमेंट आपने पढ़ ये ये पढ़ रखा है, भी रखा है एक्सोनिमी को ही जो है, ये 9 पेरिफेरल जो है 9+2 का अरेंजमेंट हम यहां देख पा रहे हैं। फिर कह रहे हैं नन ऑफ दीज, तो ऑब्वियस है हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा जो इररेलेवेंट है, यहां लिखा जाना चाहिए था जैसा सबने अभी बताया 9+0। क्लियर? नेक्स्ट 199, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम, दीज टाइप आर बेस्ड ऑन। देखिए ये हमने बात की थी कि देखिए सेल में कहीं भी डिवीजन के टाइम में क्रोमोसोम को अगर डिस्कस किया जा रहा है तो डेफिनेटली उसके बिहेवियर के बिहाव पे दिखा जा रहा है। नंबर ऑफ द सेंट्रोमियर नहीं, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर आपको पता है कि होगा, नंबर ऑफ काइनेटोकोर जो सेंट्रोमियर पे डिस्क है, नंबर ऑफ द आर्म्स यहां पोजीशन जो है उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए था, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। हाँ
अब देखो आर्म्स जैसे हैं, जैसे आप ये देखते हैं मेटासेंट्रिक में बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, तो दो आर्म क्लियर दिखाई देती हैं। सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा सा आप ये कहेंगे एक आर्म छोटा हो जाएगा, एक्रोसेंट्रिक में आप कहेंगे बिल्कुल शॉर्टेस्ट होगा एक, और टीलोसेंट्रिक में सिंगल ही आपको अपीयरेंस में आएगा। तो इसके बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं इट दिस टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो फिर आंसर हमें यहां चूज कर लेना चाहिए नेक्स्ट। If a mastomatic cell is placed in a medium containing radioactive thymidine, radioactively will be first observed in thymidine के medium में रखा गया। बात कर रहा है जी, थोड़ा सा अच्छा भी important भी और simple भी है। अगर आपने radioactive thymidine medium में उसको place कर दिया, obviously जब DNA का formation होगा तो वो DNA के अंदर incorporate हो जाएगा thymidine present in DNA। तो अगर यहाँ थोड़ी बात इसने पूछा है first observed in, सबसे पहले जो यूक्रोमेटिन है उसका रेप्लिकेशन पहले होता है, पहले होता है। और जो हेटरोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन होगा, हाँ यूक्रोमेटिन के लिए आप कहते हैं जेनेटिकली एक्टिव फॉर्म है बिल्कुल, और वो जो है यूक्रोमेटिन लेस स्टेन लेता है, आपने सपोर्ट रखा है, उसकी जो जेनेटिकली एक्टिविटी है वही उसको पहले रेप्लिकेट करवा रही है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट जो यूक्रोमेटिन है, जैसा सर ने बताया कि थाइमिडिन जब फॉर्मेशन होगा तो पहले उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, हेटरोक्रोमेटिन टाइटली पैक्ड बेसिकली होते हैं, तो लेट फेज में जो उसका रेप्लिकेशन होता है और बहुत साइमल्टेनियस हो नहीं सकते। तो आपका आंसर यहां क्या हो जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट। नेक्स्ट, इफ यू आर प्रोवाइडेड विद रूट टिप्स ऑन ऑनियन इन योर क्लास एंड आस्क्ड टू काउंट द क्रोमोसोम्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज कैन यू मोस्ट कन्वीनिएंटली लुक इनटू। आपके लिए मोस्ट कन्वीनियंट पूछा गया कौन सा स्टेज होगा, अगर ऑनियन रूट टिप आपको दे दिया गया आपकी क्लास में और आपसे काउंट करने के लिए कह रहा है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो देखिए काफी बातें हो भी चुकी हैं, ये इसके बारे में खूब हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रोमोसोम्स की स्टडी के लिए, क्रोमोसोम्स के बेस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए कौन सा स्टेज रिलेवेंट है, मेटाफेज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़े। 202, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अकर्स इन एनाफेज फर्स्ट बट अकर्स इन द एनाफेज सेकंड। एक स्टेटमेंट हमने सर इसके लिए बार बार डिस्कस किया था, ऑप्शन पढ़ने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, हमने कहा था एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकंड को अगर कंपेयर करें, there will be the separation of the pair of homologous chromosomes but the both chromatids or sister chromatids will remain associated। ये बात हमने बार बार डिस्कस की थी पिछले जो सेल डिवीजन हम पढ़ रहे थे, और वो जो एसोसिएशन है उसको तोड़ देना है आपको कहां ले जाके, एनाफेज सेकंड में। ठीक है, तो आप ये कहते हैं एनाफेज फर्स्ट में तो ये होना था, ये जो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम है इस पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम का सेपरेशन हो जाएगा, और उसके बाद एनाफेज सेकंड में ये जो क्रोमोजोम है सर जो बता रहे हैं ये देखिए स्प्लिटिंग होगी, सेपरेट हो जाएंगे। तो पढ़े सर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम, गुणसूत्रों में संघनन कोई मतलब ही नहीं है, मेटाफेज के बाद कुछ नहीं होता है, कंडेंसेशन से रिलेटेड। फिर कह रहा है फॉरवर्ड मोमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स, दोनों में हो रही है, इधर भी क्रोमोसोम मूव कर रहे हैं, इसमें भी क्रोमोसोम, ऑब्वियस है उसमें क्रोमेटिड मूव कर रहा है, जो डॉटर क्रोमोसोम होगा या फ्यूचर का क्रोमोसोम होगा, और उसमें पूरा डायड फॉर्म में क्रोमोसोम, डायड फॉर्म का क्रोमोसोम जा रहा है। फिर कह रहा है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स होगा, तो दोनों में हो रहा है बिल्कुल। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, देखो ये मिल गया आपको, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एनाफेज सेकंड में तो होगा, क्योंकि यहां सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा तभी सिस्टर क्रोमेटिड्स जो डॉटर क्रोमोसोम हैं फ्यूचर के क्रोमोसोम हैं वो पोल्स पे जाएंगे, लेकिन आप ये देख रहे हैं एनाफेज फर्स्ट में सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन नहीं होता है, तो ये आंसर इसमें से हम टिक कर सकते हैं फोर, एनाफेज सेकंड में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। काफी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, इसलिए बार-बार ये रिपीट भी हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है, ये ध्यान रखें, और स्टेटमेंट जो हम बोल रहे हैं उसी से आप इसको कनेक्ट करके रखें, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होगा लेकिन क्रोमेटिड्स एसोसिएट रहेंगे, और वो जो एसोसिएशन है उसको आपको ब्रेक करना है एनाफेज सेकंड में। 203, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग मैच, रॉन्ग मैच सर पूछा गया कौन सा रॉन्ग मैच है, तो देखो लेप्टोटीन जायगोटीन पैकाइटीन और डिप्लोटीन आपको दे रखा है, लेप्टोटीन बुके अवस्था, इसको बकेट फेज भी बोल देते हैं थोड़ा सा जी, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन हल्का सा बता, न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम विजिबल होते हैं ड्यूरिंग लेप्टोटीन तो ये इस तरह के पोजीशन में विजिबल होते हैं, इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है, जैसे यहाँ सेंट्रोसोम है इधर ये जो है लोकेटेड है, तो ये थोड़ा सा देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो बुके टाइप दिखाई, बुकेट स्टेज में मतलब ओवरलैप फॉर्म वहां होती है, क्लियर होना शुरू होते हैं, विजिबिलिटी वहां आना शुरू होती है, तो ये लेप्टोटीन के लिए हो गया। फिर उसके बाद में देखो स्टूडेंट जायगोटीन है, जायगोटीन में आपको पता है सिनेप्सिस वो बनाते हैं सर, खूब बात इस पे कर चुके हैं, तो सिनेप्सिस ये बना रहे हैं, पैकाइटिन क्रॉसिंग और आपको पता है ये करेक्टराइज इसी से किया जाता है। फिर है डिप्लोटीन टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज़मेटा, ये आगे की बात कर गया, एक स्टेप आगे ले गया, डाइकाइनेसिस, ये डाइकाइनेसिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो डेफिनेटली जो मिसमैच फॉर्म हमारे पास होगा वो सर हो जाएगा फोर्थ वन। नेक्स्ट 204,
बायवेलेंट इन मेटाफेज फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ, बिल्कुल ये काफी मेटाफेज फर्स्ट में जो बायवेलेंट है दैट इज कंसिस्ट ऑफ, दीज आर द बायवेलेंट, जी ये बायवेलेंट है और ये बायवेलेंट जो है वो किससे बना हुआ होता है, तो मध्यावस्था में एक युगली रखता है, आप देखिए कह रहा है टू क्रोमेटिड्स एंड वन सेंट्रोमियर, बायवेलेंट की बात करें तो फोर क्रोमेटिड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो मैं सीधा ही फोर क्रोमेटिड्स और टू सेंट्रोमियर वाले ऑप्शन के स्टूडेंट्स आ जाता हूं, तो ये एग्जैक्टली आपके पास यहां करेक्ट हो गया, थर्ड डिफरेंस क्लियर। नेक्स्ट 205, माइटोटिक सेल्स साइकिल इज डिवाइडेड टिपिकली इनटू फोर फेजेस G1, S, G2 एंड M, कंसिडरिंग माइटोटिक साइकिल टाइम एज 18 आवर्स, Thus, distribution of period of time and hours for each these phase will be. देखिए 18 hours दे रखा है sir. Time duration उसने पहले दे दिया, fix दे दिया, fix दे दिया कि 18 hours में complete हो जाती है. तो हमें अब divide करना होगा. आपको पता है सबसे ज्यादा इसमें लगने वाला है. और इंटरफेज जो तीनों को मिला के है ये इस M के comparatively ज्यादा time. Actually ये concept पे ले जाना चाह रहा है और कुछ. हाँ. Largest कौन सी और smallest कौन सी? तो इसमें अगर हम देखें एम फेज बिल्कुल स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट होगी, तो उसमें शॉर्टेस्ट होगी तो उसमें उसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन अपन फिक्स कर देते हैं। तो देखो इसमें ये दोनों पॉसिबल है हमारे पास, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर फिर जीवन हमें जीवन में सबसे बड़े वाला देखना है तो ऑब्वियस है हमारे पास ये दोनों पॉसिबल है, बिल्कुल ठीक है। अब उसमें से जो कॉमन आ रहा है, बिल्कुल किसी तरीके का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, जो कॉमन आ रहा है वो हमारे पास थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स देखें, G1 में 9 आवर्स, S में जो है वो 5 आवर्स, S 5, G2 3 आवर्स एंड M इज 1 आवर, क्लियर। तो ये आपके पास हो गया 18 आवर्स का जो साइकिल था कंप्लीट, उसमें मैक्सिमम टाइम इंटरफेज में लगता है और इंटरफेज में भी मैक्सिमम टाइम कौन लेता है, जी। नेक्स्ट 206, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग इज प्रेजेंट इन, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग कहां प्रेजेंट होगी, देखिए एनाफेज में डेफिनेटली होगी, माइटोसिस की बात कर रहे हैं, उधर एनाफेज सेकंड जो अभी हम बात कर रहे थे सर, फिर कह रहा है कैरियोकाइरोसिस, कैरियोकाइरोसिस में ही स्प्लिटिंग सेंट्रोमियर की होगी जिससे माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट हो सकता है, तो आंसर ऑल ऑफ दी चला जाएगा। नेक्स्ट, इन विच स्टेज ईआर इज कंप्लीटली डिसअपीयर्ड, डिसअपीयर्ड लिखा है देखिए, तो इसका मतलब है जब कंप्लीटली डिसअपीयर, बिगनिंग की बात आपको नहीं करनी है, ये कुछ सर कई बार टर्म्स जो होते हैं ना वो हमें क्वेश्चन का सेंस देते हैं, ठीक है। डिसअपियरिंग अगर लिखता तो थोड़ा सा आपको पहले की बात सोचनी पड़ती, तो आपको आंसर यहां मिलना मिल जाएगा। देखो लेप्टोटीन जो है वो प्रोफेज का इनिशिएशन है, ठीक है। डाइकाइनेसिस जो है वो आप जानते हैं प्रोफेज का टर्मिनेशन एक तरीके से, तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूं कि जब डाइकाइनेसिस होता है तब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब जो है सर वो किसमें चले जाते हैं, डिसअपियर हो, डिसअपीयरेंस में चले जाते हैं, तो हमारे पास आंसर इसका हो जाएगा थर्ड। हमने काफी कुछ डिस्कस इस पे कर भी रखा है पहले से। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज लॉन्गेस्ट, कौन सा फेज लॉन्गेस्ट है, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और इंटरफेज, बिल्कुल कोई डाउट है ही नहीं, बच्चा अभी चुके हैं अपन G1, S, G2 एंड M, तो ये आपका इंटरफेज हो गया, ये M फेज हो गया, अगर डायरेक्टली ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया इंटरफेज, तो लॉन्गेस्ट फेज जो है ऑब्वियसली इंटरफेज, अगर ये इंटरफेस नहीं होता फिर आपको फिर इनके अकॉर्डिंग चूज करना होता, तो आप G1 पे चले जाते, जैसा अभी एक क्वेश्चन हमने 18 आवर्स का डिस्कस किया था। वैसे देखो बच्चों ऐसा है सर, एक चीज ये है कि हमने पहले चार एपिसोड डिस्कस किए, ये जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जो बच्चे हमारे साथ देख रहे हैं इसको, आपको परफेक्टली पता होना चाहिए सारी चीजें, ये एक तरीके से आपका रिकॉल है ना, इसीलिए इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो एक तरीके से आप अपना सेल्फ एनालिसिस समझें इसको, सेल्फ टेस्ट आप समझें इसको, क्लियर। और ये कहना चाहूंगा मैं कि जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, हां चार वीडियो देखे अच्छे से, आपको बहुत स्ट्रांग करना है, आपको काफी सारी चीजें तो पता लगेगी, क्लियर। नेक्स्ट पे आऊं 209, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है, एग ऑफ द ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, बिल्कुल डेफिनेटली इसका जो साइज है 70 सेंटीमीटर होता है, तो ये लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल पूरी, बिल्कुल। फिर कह रहा है सर राइबोसोम आर द ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, ये भी डेफिनेटली सही बात है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दो एग्जांपल आपके पास ऐसे हैं जो ये प्रूव करते हैं। फिर कह रहे हैं द शेप ऑफ द सेल्स मे वेरी विद द फंक्शंस दे परफॉर्म, बिल्कुल जो सेल्स हैं उनकी फंक्शनिंग अपीयरेंस जो है उसके अकॉर्डिंग उनका शेप हो सकता है। जेनेटिक मटीरियल इज प्रेजेंट इन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन बोथ प्रोकैरियोट्स, देखिए प्रोकैरियोट्स आते ही ये क्या हो गया स्टेटमेंट गलत हो गया, आपको पता है वहां न्यूक्लियॉइड है, वहां इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, वहां प्रो क्रोमोसोम है, वहां जीनोफोर है, इस तरीके से तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट फोर, क्लियर। 210, द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर ATS टाइप वेयर S इज इनडायरेक्टली मेजर ऑफ,
ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इंपॉर्टेंट अपने ऐड कर दिया इसमें। हाँ। जो एस है वो है स्वेडबर्ग यूनिट, बिल्कुल ये साइंटिस्ट है स्वेडबर्ग नाम है दे दिया, और जो एस है वो रिप्रेजेंट करती है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, एंड सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट डिपेंड ऑन द डेंसिटी एंड साइज, इनडायरेक्टली डिपेंड है डेंसिटी साइज पे, बिल्कुल। तो देखिए डेंसिटी और साइज पे डिपेंड करता है, तो ऑब्वियस उसी के अकॉर्डिंग लार्जर सबयूनिट्स और स्मॉलर सबयूनिट्स जो हैं वो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग ज्वाइन करती हैं या जुड़ती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास केमिकल कंपोजिशन की बात करो, तो केमिकल कंपोजिशन आप देखिए 70S हो 80S हो, छोटी सबयूनिट हो बड़ी सबयूनिट हो, सबका केमिकल कंपोजिशन सिमिलर होता है, सिमिलर प्रोटीन और आरएनए दोनों में बेसिकली प्रेजेंट होता है। तो इसमें नहीं जाएंगे हम सर, जो अभी डिस्कस कर रहे थे डेंसिटी एंड साइज डेफिनेटली आंसर हो जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए एंड लिपिड मॉलिक्यूल ये रेलेवेंट नहीं है, तो यहां आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर विच आर एक्सटेंसिव कंटिन्यूस विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जो कंटिन्यूस है, ये आपने बहुत खूब डिस्कस कर रखा है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ स्टूडेंट्स, जो कंटिन्यूस है वो है ईआर, दोनों ऑप्शन में दे दिए, अब दोनों दे दिए, देखो आरएआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ वाला और स्मूथ। तो बेसिकली ऐसा होता है सर कि जो न्यूक्लियस है उसकी पेरिफेरी में ये जो राइबोसोम कंटेनिंग जो आरईआर है उसकी एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस ज्यादा होती है, और एसईआर जो है वो पेरिफेरल पोजीशन को होल्ड करती है। हाँ, तो वो कह रहा है संरचना जो बाह्य केंद्रक झिल्ली से सतत होती है तो कौन सी होनी चाहिए, आरईआर, डेफिनेटली स्टूडेंट्स आरईआर होनी चाहिए, वो केंद्रक झिल्ली के साथ आपको मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएशन पूछ रहा है, ठीक है ना, आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं समझ लें, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ आप जाएंगे तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, तो आंसर हुआ आरईआर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग विद द रेफरेंस ऑफ सिस फेस ऑफ द गॉल्जी बॉडी, तो देखो सिस फेस सर हम डिस्कस कर भी चुके हैं, रिसीविंग फेस होता है, इस रिसीविंग फेस के केस में आपको कह रहा है कॉनकेव, बिल्कुल कॉनकेव होता है, बिल्कुल लेवल किया था अपन, फिर कह रहा है सिचुएटेड नियर न्यूक्लियस, डेफिनेटली होगा, फॉर्मिंग फेस होता ही है ये, कॉनवेक्स ये गलत हो जाएगा, कॉनवेक्स कॉनवेक्स होगी, ट्रांस होगी, इधर वाला फेस जो है डिस्टल जो पार्ट है वो कॉनवेक्स, डिस्टल प्रॉक्सिमल अगर हम देखें तो ये आपके पास सही है, ये आपके पास इनकरेक्ट रेफरेंस हो जाएगा, तो आंसर हम कह देंगे फोर्थ। नेक्स्ट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग, बिल्कुल कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और इंडिपेंडेंट लिविंग एग्जिस्टेंस उसका डेफिनेटली स्टूडेंट्स होता है। फिर कह रहा है थियोडोर स्वान ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, यही मेंशन कर देता है, तो ये स्टेटमेंट दिया था स्लीडन ने, स्लीडन और स्वान जो दोनों आप पढ़ते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन ओनली 80S राइबोसोम, सर ये भी लग गया, ओनली लग गया, तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया। फिर कह रहा है प्रोटीन्स एंड लिपिड रेशियो नॉट चेंज्ड इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ डिफरेंट सेल, ये भी गलत हो गया, कभी चेंज होता है ये, प्रोटीन लिपिड रेशियो ही वेरी होता है, वेरी करता है, बाकी तो केमिकल कंपोजिशन सिमिलर है। व्हिच स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट गलत है आपको, तो बी हमारे पास गलत है, सी सी भी गलत है, एंड डी टी भी गलत है, बी सी डी ये आपके पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा, ये रहा 213। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन 214, vesicles is formed from ER after packaging of material is fused with, ये सर endomembrane system की बात कर रहा है कि जो vesicles हैं वो vesicles endomembrane system में Golgi body जो है उससे आकर fuse होती हैं और ये endoplasmic reticulum जो पहले existence में था इस पर ribosome जो present है यहाँ से vesicle जो release करता है Golgi body की cis phase के लिए उसके लिए question पूछा है, trans phase of the Golgi body obvious है, ट्रांस फेज जो है वो रिसीविंग सॉरी मैच्यूरेटिंग फेज होती है तो उससे ये कनेक्ट नहीं करेगा, लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया एंड फॉर्मिंग ऑर्गन्स ऑफ द गॉल्जी बॉडी, तो सीधा हमें दे रखा है। देखो स्टूडेंट्स आपने काफी डिटेल में पढ़ा भी है ये कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल रिलीज होगी, वो ट्रांजिशनल वेसिकल्स हैं, दीज ट्रांजिशनल वेसिकल्स विल ट्रांसफर टू द गॉल्जी बॉडी और गॉल्जी बॉडी की सिस फेज जो है सर जो फॉर्मिंग फेज होती है वो इसको रिसीव करेगी और जस्ट आफ्टर एडिटिंग ट्रांस फेस से वो क्या कर दी जाएंगी, रिलीज कर दी जाएंगी, तो सर हमारे पास आंसर इसका हो गया फॉर्मिंग फेस ऑफ गॉल्जी बॉडी। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया इज मेनली रिलेटेड विद, इसमें देखा प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस की एक्टिविटी जो है, देखो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता तो है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्वेश्चन की लैंग्वेज में की पॉइंट हमें दे रखा है मेनली, तो हमें इसी फंक्शन को यहां से डिटेक्ट करना चाहिए, एरोबिक रेस्पिरेशन, डेफिनेटली एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट है माइटोकॉन्ड्रिया और इसी के बिहाफ पे आप इसको कहते हैं एटीपी ये जनरेट करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल,
और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस एक क्वेश्चन सर पहले पीछे भी आ चुका है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये करेगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में रोल नहीं है इसका, और लिपिड सिंथेसिस में भी कोई डायरेक्ट रोल इसका नहीं है। तो आंसर टिक करें सर, थर्ड आंसर एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, गॉल्जी बॉडी इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, गॉल्जी बॉडी जो है वो इंपॉर्टेंट साइट ऑफ द फॉर्मेशन किसका है? तो देखो सर, ग्लाइकोप्रोटीन दे रखा है, ग्लाइकोजन दे रखा है, ठीक है। इसके बाद ग्लाइकोजन के रेस्पेक्ट में इनकरेक्ट हो गया। इसके बाद लिपिड और ग्लाइको लिपिड हमें दे रखा है, तो लिपिड के केस में इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर दे रखा है लिपिड एंड ग्लाइकोजन, ये भी नहीं होगा क्योंकि ग्लाइकोजन है ईआर का फंक्शन है, ईआर के दोनों ईआर के फंक्शन है, एसईआर और ये ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ये एग्जैक्टली फाइनल एडिटिंग के बाद वो रिलीज करता है। तो आप जानते हैं ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन भी करेगा और ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन भी करेगा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की फाइनल फंक्शनिंग हम ये पढ़ते हैं, क्लियर। सो नेक्स्ट, एक्जोनिमा ऑफ सीलिया फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ, एक्जोनिमा जो सीलिया फ्लैजिला का है वो किससे बना हुआ होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। और अरेंजमेंट भी एग्जैक्टली स्टूडेंट्स आपने डिस्कस किया है, हमने काफी डिटेल में बात की है, 9(2+2) का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। आगे फ्लैजिलेट प्रोटीन की बात अगर की गई तो सर प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला इसी से बना हुआ होगा। राइबोन्यूक्लिएज प्रोटीन का कोई मतलब यहाँ नहीं है, स्टोन प्रोटीन ये जो है वो दोनों ही एक तरीके से ये एंजाइमेटिक फॉर्म और ये स्टोन प्रोटीन पैकेजिंग प्रोटीन होता है, क्लियर। नेक्स्ट 218, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला कंसिस्ट, देखो सर उसी से रिलेटेड पूछ लिया, मतलब एक तरीके से सारा जो बच्चों की इन्फॉर्मेशन है वो वापस क्लियर हो रही है, रिवीजन हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। और हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया कि जो बेसल बॉडी आपने बताया था माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है और उनका जो अरेंजमेंट है वो 9+0 हो जाएगा। नेक्स्ट 219, कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम, देखो सेल साइकिल का एक डायग्राम हमने दे रखा है, इन विच फेज क्रोमोजोम आर जनरली ऑब्जर्व, किस फेज में क्रोमोजोम्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है? जैसे उन्होंने ए बी सी डी दे रखा तो ये ऑब्वियस है, That is the G1 phase. ये S हो जाएगा, S ये हो जाएगी G2 और ये देखो है prophase के बाद ये metaphase को represent कर रहा है। हाँ। तो सर अब देखो इसमें क्या है कि prophase से visible तो हो जाते हैं chromosome, लेकिन study के point of view से दिया जाए तो A हमें दे रखा है और ये A मैं कह सकता हूँ ये किसको लिखा है इसने? Metaphase को, clear? तो स्टूडेंट सीधा सा क्वेश्चन बनता है आपसे, पूछा जाए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल साइकिल न्यूक्लियस को कब ऑब्जर्व किया जा सकता है? तो न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया जा सकता है बी में भी, सी में भी और डी में भी। बेस्ट ऑब्जर्वेशन न्यूक्लियस की कब हो सकती है? तो हम जी नॉट पे भी जा सकते हैं क्योंकि यहां रेस्टिंग स्टेज का है ये स्टेट, बेस्ट ऑब्जर्वेशन इनमें, इनके बजाय आप इस पे आंसर पे जा सकते हैं। लेकिन आपसे क्रोमोजोम पूछ रहा है तो फिर प्रोफेज में विजिबिलिटी आएगी और मेटाफेज में आप बेस्ट स्टडी क्रोमोजोम्स की कर सकते हैं। तो सर आंसर हम टिक करें, ए हो जाएगा इसमें, ए मेटाफेज में आप इसको देख सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, न्यूक्लियस गॉल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रिफॉर्म्ड इन, फिर से बनती है रीअपीयरेंस, ये हमने सर कई बार डिस्कस किया, द रिवर्स ऑफ द प्रोफेज दैट इज टेलोफेज, टेलोफेज हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास है टेलोफेज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? तो ये कह रहा है माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिविजन, डेफिनेटली माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो मदर सेल में है डॉटर सेल में, डॉटर प्रोजेनी में उतना ही होगा। मियोसिस फर्स्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिडक्शनल डिवीजन, डेफिनेटली ये ही मियोसिस फर्स्ट ही रिडक्शनल डिवीजन होता है, एनाफेज फर्स्ट में ही एक्चुअल रिडक्शन होता है। मियोसिस सेकंड इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, डेफिनेटली मियोसिस सेकंड जो है वो माइटोसिस का इक्विवेलेंट ही होता है। तो ऑप्शन आपके पास हो जाएगा आपने पहले भी बताया था 2n से यहाँ पर कंडीशन आ जाती है n, तो ये एक्चुअल में रिडक्शन डिवीजन कॉपी बनी, ठीक है। तो ये मियोसिस और माइटोसिस सर ने ब्रीफ कर दिया है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 222, which of the following is permanently found in quiescent stage of cell cycle? Permanently. देखो ये बात कर रहा है किसकी? G-note stage. और G-note quiescent में जो permanently cell cycle में मिलेगी इसका मतलब क्या? मैं ये कह सकता cell cycle के quiescent में मिलेगी इसका मतलब क्या सर? ये कह सकते हैं that permanently exit from cell cycle. सेल साइकिल से परमानेंटली एग्जिट हो गई है। इसमें भी देखो हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया था पिछले दो साल से, क्वेश्चन आ भी रहे, कंट्रोवर्सी भी रहती है। जो जीनोट फेज है वो रिवर्स हो सकती है, इरिवर्सिबल हो सकती है। एक एनसीईआरटी ने सर स्टेटमेंट लिख के दिया है कि जो सेल्स हैं
they do not replicate their genome or DNA and do not proliferate unless required. जब तक जरूरत नहीं है तब तक proliferate नहीं करेंगी, तो संभावना वही आपको दे दी कि जरूरत होने पर कर सकती है, तो जरूरत पड़ने पर जो फिर से proliferate कर सकती है वो quiescent phase में ही जाती है, मतलब रिवर्स कर सकती है। परमानेंट की बात की है तो ऑब्वियस है आपके पास नर्व सेल्स दे रखी हैं और ये जो नर्व सेल्स हैं ये नर्व सेल्स क्वेश्चेंट के बजाय जीनोट की सेनेसेंट फेज में होती है। और सर हम दो तीन वर्ड और यहां से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमें कह दिया जाए हाईली स्पेशलाइज्ड और हाईली डिफरेंशिएटेड सेल्स, तो ऑब्वियस है हम इसी पे जाएंगे, जो हाईली डिफरेंशिएटेड और हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं वो फिर से सेल साइकिल में एंटर नहीं करती है। क्लियर? नेक्स्ट, स्टेज बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड इज कॉल्ड, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड जो है ये इनके बीच में होने वाला स्टेज इंटरकाइनेसिस कहा जाता है। बच्चों सीधा आंसर आपको पता है, देखो इंटरफेज प्रिपरेटरी फेज है, इंटरकाइनेसिस आंसर हो जाएगा, डीएनए सिंथेसिस आप जानते हैं एस में होता है, तो ऑब्वियस है आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां सेकंड। नेक्स्ट, विच फेज ऑफ सेल साइकिल इज कंप्लीटेड इन मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, तो आपको दे रखा है ह्यूमन सेल के एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, 24 आवर्स का है, इंटरफेज में 33 आवर्स लग जाते हैं, एक घंटे में माइटोसिस हो जाता है और वह 95% और 5% का कैटेगराइजेशन कर रखा है, सर ने पहले भी बताया था एक जगह आपको, तो जो कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस है ये तो सिर्फ एक ही घंटे में हो रहा है, तो आपके पास इंटरफेज परफेक्ट आंसर आ जाएगा, इंटरफेज जो है वो 95% टाइम ले लेती है इसका। एक सर हमने ड्यूरेशन वाला क्वेश्चन डिस्कस किया भी था अभी, 18 आवर्स हमें दिया गया था, 18 आवर्स का सेल साइकिल ड्यूरेशन है। 2 to 5, in which phase of cell cycle, cell volume of cell maximum increase. Volume कब maximum increase होगा? तो देखिए जो cell cycle के process आपको दे रखे, आपको पता है जो जीवन है वो metabolically most active है और इसमें जो maximum changes है जैसे cell का surface area volume increase होना, cytoplasmic nucleoplasmic content का increase होना, ये maximum इसी में होता है, तो obvious है हमारे पास cell volume maximum increase जीवन phase में ही जाएगा। Next, the vacuoles of plant cells are bounded by a single semi-permeable membrane called, देखो ये highly specialized membrane होती है vacuole की, जिसको आप कहते हैं टोनोप्लास्ट। हमने even इसका जो uptake है, active uptake है, इसकी specific nature जो है वहां तक भी हमने सब discuss कर रखा है। जो बच्चे इस वीडियो को आज ही देख रहे हैं सर, उनको पहले वाले videos देखने चाहिए जहां से sequence आपकी clear होगी। Next, 2 to 7, consider the following statements. इसमें लिखा है plant cells have centrioles which are absent in almost animal cell. Incorrect reference हो गया। पहले कह दिया plant cells have centrioles, तो यही ये गलत हो गया। उल्टा लिखा है, vice versa होता तो सही हो जाता। Ribosomes are the site of protein synthesis. So definitely correct statement है सर। The middle lamella is a layer mainly of the calcium carbonate which holds the different membrane cells together. देखो carbonate लिख दिया। कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट बेसिकली वो होते हैं। इन एनिमल सेल्स स्टेरॉइड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही लिखा है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ऑफ द अबाउ गिवन स्टेटमेंट, हमारे पास जो इनकरेक्ट है वो सी रहा सिर्फ। बिल्कुल यहाँ करेक्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले जाएंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले जाएंगे, बी एंड डी आर करेक्ट। तो ए बी आपको दे रखा है, ए डी नहीं दे रखा, ए एंड डी ओनली करेक्ट इसमें। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, बी और डी जो है करेक्ट है, बी और डी इनकरेक्ट है, तो बी और डी जो है यही थर्ड ऑप्शन चला जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ दीज रॉन्गली मैच्ड, सर क्लोरोप्लास्ट दे रखा है, क्लोरोफिल करेक्ट मैच है, इलियोप्लास्ट स्टार्च ये मिसमैच हो गया ये, ठीक है। बाकी बच्चों क्रोमोप्लास्ट दे रखा है, कैरोटीनॉइड सही है, एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट्स, तो करेक्ट आंसर सर हुआ सेकंड। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस गिवन। ये कह रहा है सैप वैक्यूल्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स विद द हेल्प ऑफ व्हिच न्यूट्रिएंट्स आर डाइजेस्टेड। तो सैप वैक्यूल है प्लांट सेल में, सैप कंटेंट है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो होल्ड कर सकता है, वो कह रहा है विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर डाइजेस्टेड, लेकिन इसका ये मेन फंक्शन नहीं स्पेसिफाई नहीं करेंगे। फिर कह रहा है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल टेक पार्ट इन द ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सरसाइज, बिल्कुल सही बात है ये। फूड वैक्यूल्स दे रखा है आपको स्टोर एंड कंसंट्रेट मिनरल सॉल्ट एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स, डेफिनेटली। फिर कह रहा है एयर वैक्यूल्स स्टोर एंड कंसंट्रेट मिनरल सॉल्ट एज वेल एज, इनकरेक्ट हो जाएगा, एयर वैक्यूल जो है ये गैस वैक्यूल्स की बेसिकली बात, बिल्कुल
जो प्रोकैरियोट्स में करेक्टराइजेशन होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके पास दो रेफरेंस करेक्ट हैं, दो बी और सी जो है करेक्ट करेक्ट बी सी आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, राइबोसोम्स आर फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट, बैक्टीरिया में भी होगा, प्लास्टिक्स में भी होगा, में होगा, नहीं होगा, आंसर आपका फोर्थ चला जाएगा। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। एक तरफ सर सेल ऑर्गेनेल हमें दे रखे हैं, दूसरी तरफ फंक्शन दे रखा है, तो आप उधर कनेक्ट करने में बोल रहा हूं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस कनेक्ट हो जाएगा, सिंथेसिस ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ये थर्ड वाला इसे कनेक्ट हो। हाँ, इसमें देखो नॉन सीक्रेटरी लिखा है थोड़ा सा, ये देखने वाली बात है। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है फ्री राइबोसोम्स, ये फ्री राइबोसोम नॉन सीक्रेटरी प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा जो साइटोप्लाज्म में करता है। फिर कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर एक पार्ट इन द सेलुलर रेस्पिरेशन, फिर कह रहा है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, और ये जो है वो ऑस्मोरेगुलेशन, अभी पीछे एक क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप मैच करवा सकते हैं। Which of the following is associated with the structure of Golgi complex? Golgi complex के structure से क्रिस्टी देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्वांटोसोम जो है वो क्लोरोप्लास्ट में, क्वांटोसोम मॉडल हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपके पास हुआ सिस्टर, सिस्टर काफी बार स्ट्रक्चर की बात हो चुकी थी ज्यादा सिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स मेनली अकर इन, देखो सर आपने ये बताया था एक बार, एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि अगर कुछ स्पेसिफिकली जर्मिनेटिंग सीड्स वगैरह और इस तरीके का कुछ दे तब तो आपका आंसर पेरोक्सिसोम होना चाहिए, ग्लायोक्सिसोम होना चाहिए सॉरी। और अगर आपसे सिर्फ साइट पूछे या मेन साइट पूछे या कोई भी रेफरेंस नहीं दे तब आपका आंसर ऑलवेज क्या होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जर्मिनेटिंग सीड के केस में तो ये चला जाता और ऑर्डिनरी कंडीशन में आपके पास होता बीटा है आंसर, बीटा ऑक्सीडेशन मेन साइट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरीके से हमने सेल बायोलॉजी के 5 एपिसोड कंप्लीट किए आपके साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि ये फर्स्ट टू लास्ट हमने जो भी डिस्कस किया है ये बहुत बेनिफिशियल और यूजफुल आपके लिए होगा। हमने हर एक कंसेप्ट को अप्रोच करने की कोशिश की है और आपके व्यूज जो है वो भी हमें काफी एनर्जेटिक कर रहे हैं, काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और मैं फिर आपसे प्रॉमिस करता हूँ सर, हम लोग अगला प्लांट फिजियोलॉजी करने वाले हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में भी आपको टोटल 6 एपिसोड्स मिलेंगे जिसमें 5 चैप्टर्स 5 एपिसोड्स में हम लेंगे और एक इसी तरीके से हम कॉमन डिस्कशन में लाएंगे। डेफिनेटली आप एंजॉय कर रहे होंगे और अपना सब्जेक्ट कंटेंट जो है वो मजबूत कर रहे होंगे। सर्वे सर धन्यवाद एमएम सर। तो बच्चों यहाँ देखो सेल बायोलॉजी को अपन ने पूरा टोटली कवर कर लिया है। हाँ। और मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर ये 5-6 hours जो है वो दें, इतना टाइम ड्यूरेशन अपन ने कवर किया है तो आप पूरा कंप्लीट क्वेश्चन जो है सीधे आप अटैक कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं वो कॉन्सेप्ट भी हो गए, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे अपने कवर, मतलब ऐसा बचेगा नहीं कुछ भी। 5-6 hours के वीडियोज अगर आप सेल बायोलॉजी के सारे देख लेते हैं तो डेफिनेटली आप सेल बायोलॉजी से आने वाले जो क्वेश्चंस एग्जाम में उनको अप्रोच कर सकते हैं। सो एंजॉय द बायोलॉजी, एंजॉय द बॉटनी, थैंक यू।